क्या हो गया? राकू आजा, हिची दीदी मरने वाली है, हिची दीदी मरने वाली है। दीपक बंद करो ये सब कुछ। तुम लोग, तुझे कितने लोगों ने समझाया है ना कि तुम हिजड़े जैसा मत करो। जसलीन मतारू तक समझ आई तुमको, समझ नहीं आएगा तुझे। हिज्जी दीदी की कैरेक्टर आगे बढ़ाओ, हिज्जी दीदी का इंस्टाग्राम, उसके लिए तुम बारिश हो। ची हिज्जी दीदी बनकर मेरे इंस्टाग्राम को आगे बढ़ाओ। ये बढ़ाऊंगी मैं तेरा आगे, आ बिल्लौड़े। ऐसे मत कहो। तुझे शर्म नहीं आती दीपक? पहले दिन कितना अच्छे से बात कर रहे थे और आज क्या हुआ तू तेरे को? हिज्जी दीदी मरने वाली है। हिज्जी मर जा, मर जा, दीदी का ये कैरेक्टर इंस्टाग्राम से हट जाएगा। हट जा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम हिज्जी दीदी बनो। ये बनूंगी मैं। शर्म कर दीपक, शर्म कर थोड़ा। मैं तेरे को कितनी इज्जत से बात कर रही थी स्टार्टिंग में, शर्म कर थोड़ा। तू लड़का है क्या लड़की है वो तो बता। लड़कियों के छक्कों जैसे हरकतें करता है, लड़कियों के कपड़े पहनता है, शर्म नहीं आती तुझे कभी? कतई कतई तत्ती। लेकिन तू भी तो लड़कों के कपड़े पहनती है। तो मैं कहा लड़कों का कपड़ा पहनी? मेरे को फॉलो करके देख मेरे पोस्ट, समझ आता। जिंदगी में क्या करना चाहती हो? मेरा तो सेट है, मैं सीए करना चाहती हूँ। तो मुझे सुधारने के लिए क्या तुम मुझसे शादा करोगी? बिल्कुल भी नहीं। छी, तेरे से इसे कौन शादा करता है? बिल्कुल तुम मुझसे शादा नहीं करोगी? भी नहीं। तुम कितने लोगों को ऐसे पटाया, वो दीक्षा और जसलीन मथारू को भी तुमने वैसा बोला शादा करने को, इसलिए वो तुझे नहीं पटी। उसको पता है तू कैसा है करके, वो एक बिग बॉस सेलिब्रिटी है। और ये दीक्षा, वो नौकरानी है शायद, मेरे को ऐसे लोग डीएम्स करते हैं। पागल क्यों ऐसे रहे हो? अभी तो रो रहे थे। अरे कि वो काम वाली है। अरे मेरे को सब पता है। तूने उसका इंग्लिश सुना है क्या? वो इंग्लिश उसकी अच्छी है, दीक्षा छी, ही। उसका नाक देखे तुम? उसका नाक देखे? तेरे नाक जैसा है, देखे तो कुछ फीटिंग आता है। देखो तुम पागल हो सच्ची में? अभी तो रो रहे थे और अभी हंस रहे हो पागल जैसे। अरे नहीं, तुमने वो दीक्षा को बोला ना, वो काबली भाई, मुझे बहुत हंसी आ रही है कसम से। तो तुम्हें मुझे क्या तो ये लगता है बिल्कुल कि भी नहीं। वो जो बीएमडब्ल्यू है वो उसकी नहीं है, दीक्षा की? बिल्कुल नहीं। आपको पता है वो मेरे सेम हमारे घर में बर्तन धोने वाले आते हैं, उनकी बेटी जैसी है वो। छी, नीचे देखो लोग कितनी गालियां दे रहे तुमको। अच्छा, मैं अगर दीक्षा को कॉल पे लूंगा और उसने अगर उस सच साबित करने की कोशिश की तो मैं दीक्षा को लू कॉल पे? मुझे तो लोगों ने डीएम किया है कि वो नौकरानी है, झूठी है, एक नंबर की। और तुम तुम सच्ची वो हो? ऐसा, वो दीक्षा एज में बहुत छोटी है दीपक। तुम छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, उनसे भी शादा करते हो तुम। तुम्हारा तो 50 साल है, कैंसर से गुजर रहे हो तुम।
जाते जाते कुछ अच्छा काम करके जाओ, अच्छा तो तो होगा। मैं हिजड़े जैसा करोगे ना तो कोई फायदा नहीं। ओके, तो तुम क्या करती हो समाज के लिए? मेरे को नीचे वहां पे लोग वहां पे मैसेज कर रहे हैं कि दो इस दीपक को गाली, दो इस दीपक को गाली। दू मैं तेरे को गाली? दू मैं? दे ओए, दो कड़ी कौड़ी की दे दे, तो दे ना रे, वाह दो कौड़ी की, वाह तेरा वाह कुछ दे नहीं। गाली दे, दो कौड़ी की दे मेरा तो। औकात देखेगा, मेरा औकात देखेगा तो क्या रे। हाँ, मेरा हराम क्या खाती है, मेरे इंस्टाग्राम लाइव पे आई, मेरा फेम गंदा खाई, मेरा फेम गंदा खा गई, निकल गई, मेरा फेम खा गई है, निकल गई है, देना रे गंदा भाई तेरी। वाह, मेरे को गाली देना रे वाह। मेरा औकात देखेगा कल, मेरा औकात देखा ना, मेरा घर तू, मेरा हॉल देखा ना तू, क्या रे देखा ना तू देखा ना तू हट भोसड़ी के, तेरी माँ के चूत में आधा किलो लंड। क्या दीपक, अरे भोसड़ी के कुछ अच्छा काम करना, उधर लोगों को किसी लौड़े दारू माँ पीना है के तो चूड़े, मैं तेरी माँ की चूत लौड़े हिजड़े, कुछ दो अच्छा बगल काम कर। मादरचोद लड़कियों से माँ के लौड़े, हम लोग कम पड़ गए करे मादरचोद तेरे को। मेरे से लगना तेरी माँ की चूत है मादरचोद। लड़कियों से क्या कर रहा है भाई लौड़े, लड़कियों से क्या बात कर रहा है जबरदस्ती है लौड़े। लगना मेरे से लग तेरी माँ की चूत, लड़की को बोल रहा है गाली दे फड़वे हैं, उजड़े माँ के लौड़े सादा कर रहा है तेरे को मादर चोद है, सादा करेगा हट मादर तो चोद हट। तेरे तो बहन काम करते हैं, मैं बहन तेरी के चूत, साथ तुम और तेरे टाई बराबर कर। तेरी माँ की चूत, तेरी बहन की चूत लौड़े, तेरी बहन को चोदता हूँ लौड़े। सुनना तेरे को देखता हूँ ना, पता मेरे को क्या आता है तेरे मुंह में थूकना मादर चोद। तेरी शकल देख के थूकने की इच्छा होती है, और तू क्या कर लेगा बे है, जबरदस्ती आदित्य शर्मा को लौड़ा बदनाम कर दिया है, महफिल बना दिया सचिन को अरे लौड़े, उसके भेजना नंगे नंगे वीडियो आए मेरे पास, और दो नए वीडियो आए हैं नंगे नंगे। ना लौड़ा, मेरे को भेजना ना, मैं भी तो देखूं। लौड़ा उस दिन के बाद से भेजा ही नहीं है, तेरे को बोला भी हाँ, वो है बहुत बदनाम हो गया यार, सब लोग उसको चप्पल से मार रहे हैं, मैंने सुना। पूरी गांड मार दिया दीपक उसकी, पूरी गांड मार दिया यार मैंने छोड़ उसको देगा बोला था, वो लाइव पे बकचोदी कर रहा था, अभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। रो रहा था बे लौड़ा दीपक, वो रो रहा था तेरे नाम से। नहीं, वो बहुत मेरे को, वो हाथ पैर जोड़ रहा था, बोला कि मेरा वीडियो निकाल, वीडियो निकाल। फिर कोई उसकी एक फ्रेंड थी, उसका मुझे फोन आया। हाँ, तो मैंने उसको बोला, मेमे गर्ल को मैंने बोला वीडियो निकालूंगा, लेकिन तेरे को मेरा ये आंड चूसना पड़ेगा, लौड़ा चूसना पड़ेगा, मैंने बोला उसको। हाँ नहीं नहीं भाई ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं है, तू अच्छी गांड मारा है। खैर तेरे को आईफोन दिखा रहा था क्या वो? अरे चूतिया के जैसे भीमचंद, मेरे पास iPhone 12 है, ये है, लौड़ा है, लहसुन है। उसके बाप की क्या फैक्ट्री है क्या? अरे नहीं पता रे भाई, मेरे को नहीं पता उसका काम धाम के बारे में, तेरे को बताया होगा। बहुत बड़ी बड़ी चोद रहा था, लेकिन जब मेरे को उसके वीडियोस हाथ में लगे ना, सब नंगे पंगे, पता नहीं, तब मेरे को पता चला कि ये गणबरी पिस्तौल है, ये गे है साला। वो कैसे कर रहा वीडियो में कच्चे वाले में अरे बहुत ही गंदा यार, और वो उसका पेट वगैरह, इतना गंदा लग रहा है ना बिंचो। हाँ, क्या गणमारी पिस्तौल है दूसरा क्या होगा, वो भिलाई के लोगों की मलाई चाटता होगा यार। पता रे भाई दीपक, अब तेरे को उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। क्या करना है उसका अवस्था बता यार, वो बदनाम हो गया पूरे देश में, बदनाम हो गया। उसको बोल गू खा के मर जा। सुन ना, वो मेरे को बोल रहा था कि दीपक से मेरा बात हुआ है
और मैं वो बोल रहा है कि मैं चुप्पे ऊपर लगाऊंगा दीपक के, दीपक लगाऊंगा मेरे, बोल रहा चुप्पे। पता नहीं यार क्या पक रहा है वो। अबे चुप्पे लगाने के लिए बोल रहा था रस्ते पे। अरे वो सब छोड़, तू रस्ते पे थूक क्यों रहा है भोसड़ी के, तेरे को मैनर्स नहीं है क्या? लौड़े तेरा क्या कांड चल रहा है मादरचोद? मेरे बाप का रोड किसी का भी रोड हो लौड़ा, मैं थूकू लौड़े है? और यहाँ ज्ञान चोद रहा है मादरचोद तू रोड के लिए है, और लड़कियों से गाली खा रहा है, लड़कियों को उठपटांग बोल रहा, तब तेरा मादरचोद ये देशभक्ति नहीं चकता रे? अरे भोसड़ी के तू अगर ऐसे थूक रहा है, वो भिलाई नीट एंड क्लीन सिटी है, किसने वीडियो भेज दिया पुलिस को तो बैंक जो तेरे को उठा के लेके जाएगी। तेरी माँ की तू उठवा, उठा के दिखा दे चल, ले तू उठवा मादरचोद मेरे को चल है, गांड मारी पिस्तौल तू है मादरचोद, आदित्य को बोलता है छक्का भोसड़ी के। अरे तो तू थूक क्यों रहा है बहन के लंड, थूक मेरे मुंह में थूक रहा हूँ मादरचोद, क्या ना मेरे मोबाइल में थूकूंगा तो खराब हो जाएगा, तेरे को देख रहा हूँ तो थूक आ रही, तो इधर फेंक दो साइड में, समझे गांडू? तो मेमे गल पे गांड में थूक के उसकी लेना मस्त लौड़े, वो मेरा दोस्त है ना भाई, उसकी नहीं ले पाऊंगा, तेरा जरूर ले लूंगा यार, थूक के तेरी माँ का चूत चिल्ला चिल्ला डालेगा, आवाजें निकलेंगी। सुना ठीक है चल भाई ओके। सुन बे लौड़ा, सुनेगा मेरा बात को? हाँ बोल। तू गांड मारी पिस्तौल है मादर चोद वो नहीं, समझा लौड़े? चल भेजना मेरे को वीडियो व्हाट्सएप में, लौड़े वीडियो भेजना मेरे को व्हाट्सएप में, दो ठक जो आया है समझे? हाँ ठीक है मैं भेजता हूँ उसका। यार चलो अगर चोरी मत करना, मैं तेरे पहले बता रहा हूँ। हाँ उसका वो अभी तो जो वीडियो उसका आया है टोटल नहीं उड़े। कौन सा वाला आया है? हाँ भेजता हूँ मैं तुझे, रुक यार से ना व्हाट्सएप में भेजना मेरे को। हाँ ठीक है चल बाय। चल भाई दीक्षा कॉल तैयार। दीक्षा कॉल तैयार। भाई जिसको भी मुझे पेटीएम करना है, मेरा नंबर है 9149975776। यार बड़ी बड़ी रकम आप लोग मत पेटीएम करो, 1 लाख के अंदर ही आप पेटीएम करो, ऐसे 5-5, 6-6 लाख ऐसे पेटीएम मत करो, मुझे इनकम टैक्स का प्रॉब्लम होगा। आप 1 लाख के अंदर दीक्षा कॉल तैयार। दीक्षा कॉल तैयार, क्या कर रही है दीक्षा? घर की साफ सफाई कर रही है क्या, या बीएमडब्ल्यू पहुंच रही है? दीक्षा कॉल तैयार, दीक्षा चल। मिस वशिष्ठा, चलो मिस वशिष्ठा कॉल पे आ जा। मिस वशिष्ठा दीक्षा के पास रिक्शा भी नहीं है और बोल रही बीएमडब्ल्यू की बालकी ने। वशिष्ठा कॉल तैयार, हाँ चलो भाई वेद। कॉल तैयार, वेद भाई कॉल तैयार। हाँ दीपक भाई क्या हाल है? अरे सुन बे वो बहन के लंड, मुझे तुझे ये बोलना है साले भोसड़ी के, तुम लोग 6-6 लाख रुपए भेजते हो, मेरे को इनकम टैक्स की प्रॉब्लम हो रही है पता है यहाँ पे। चल ठीक है भाई, मैं अगली बार तुम्हें बिटकॉइन खरीद के दे दूंगा ठीक है, उससे फिर आपको कोई सरकार वगैरह ट्रेस नहीं कर पाएगी, बिटकॉइन भेज दूंगा ठीक है। हाँ 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 आप मुझे बता देना कितने बिटकॉइन खरीद, कैसा है ना पता है क्या? सब लोग अभी मुझे कम से कम है ना 1-1.5 करोड़ के फंड्स आए हैं। मैं बिल्कुल लोगों को हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ कि अभी आप लोग कम अमाउंट में पैसे डालो। सब लोग ऐसे बिल्कुल 2-2, 3-3 लाख डालेंगे, मेरी तो यहाँ पे गांड लग गई टैक्स भरते भरते। सही बात है, बहुत टैक्स लगेगा। वो रिक्शा नहीं आई यार, वो रिक्शा नहीं आई, दीक्षा क्या कर रही है? वो तो लोग कह रहे हैं नीचे के दीक्षा चला रही है रिक्शा।
अच्छा तुझे क्या लगता है, वो जो बंदी है वो कह रही है कि वो काम वाली है, तुझे क्या लगता है? मैंने 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 तुम्हें उस दिन ही कहा था कि वो काम वाली, दीपक तुमने मुझे उस दिन गालियां निकाली थी, तुम प्यार में थे, मैंने तुम्हें उस दिन ही कहा था कि वो काम वाली है, वो झूठ बोल रही है, वो सब फेक कर रही है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उसके साथ शादा करना चाहिए या नहीं? क्या हो गया इसका? नहीं नहीं तभी लुल हो गया। चलो भाई दीक्षा, अमित चीमा, एक कौन है, जितेश, जितेश कॉलतेया, हेलो। हेलो, और जितेश कैसे हो, कहाँ से हो आप? गुजरात, तुम कहाँ से हो? मैं एलए से हूँ। और आप गुजरात में क्या करते हो? मैं जैसे लोगों की घाण मारता हूँ, और क्या करूंगा। नहीं, मैंने सुना कि तुम गुजरात में गू खाते हो सबका। नहीं मैं खिलाता हूँ भाई, मेरा तुमको भेजा था, पार्सल नहीं मिला क्या भाई एलए में? हाँ भाई, गांड चुत गई क्या? दलाल, आई मीन कलाल, सॉरी। गुजरात में कहां पे रहता है? तू वहां पे रहता है, मैं बोल आ जाता है। भाई जवाब दे, नहीं तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट करूंगा। कॉल डिस्कनेक्ट करेगा, मत छोड़ देंगे पहुंचे। ठीक हाँ, लाइट लगा सबसे पहले। तेरी गांड में लगाऊं? वहां पे तो बहुत जगह है, गुफा बनाई हुई है, अंधेरी गुफा जो है। क्या काम करता है भाई उधर गुजरात में? अब गए यार, दलाल मीन कलाल, अभी तो बोला तेरे जैसों की मारता हूं। ठीक है, चल बाय। गांड बकवास कर रहा है ये चुतिया। आधार मिश्रा, पुलकित, पुलकित दिखा अपना टुलकित, पुलकित कितना बड़ा है तेरा टूलकिट। गंधर्व सैनी, गंधर्व सैनी कॉल विच ऑफ जडी। हाँ टॉम, ये कौन से हैं? अंबुज कुमार पांडे, अंबुज कुमार पांडे, ये कौन है? और अंकित कौशिक, अंकित कौशिक कॉल पे आ। क्या हेलो, हाल है देशभक्त? क्या मेरा ऑन करो। कैमरा ऑफ रहेगा, तुमसे मैं बाद में करता हूँ, बाद में ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय। बाय वीकेंड। जगजीत सग्गू, जगजीत सग्गू कॉलते आ। ये कौन है? मालो, आशीष सुवर्णा कॉलते आ, आशीष सुवर्णा कॉलते आ। हेलो, हेलो, चलो भाई दीक्षा कॉल पे आ, सब लोग पब्लिक डिमांड है, दीक्षा कॉल पे आ, दीक्षा पब्लिक डिमांड है, कॉल पे आ। चलो भाई रक्षित कॉलते आ, रक्षित कॉलते आ। तेनू ले के जाना,
हेलो। और बेटा कहाँ से हो? मैं उदयपुर से, आप कहाँ से हो? पहले मत बोलना। अच्छा, तो वो उदयपुर में पिचोला लेक है, हाँ आप जाते हो उधर पिचोला लेक घूमने के लिए? करणी माता टेम्पल है उधर ऊपर। आप और आए हो घूमने? हाँ, मैं आया हूँ वहां पे उदयपुर में। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, तो उसकी वहां पे बर्थडे पार्टी है, विजय मल्ल्या करके, किंगफिशर, वो जो है ना किंगफिशर के मालिक विजय मल्ल्या, तो यार कुछ भी यार, उनकी उधर वहां का पे है ही बर्थडे पार्टी वो। थी, तो मैं मेरी फ्रेंड के साथ आया था, शोभा डे के साथ। लेकिन अभी विजय मल्ल्या जो है वो लंदन में शिफ्ट हो गए, तो अच्छा, वो दो एक तीन छोटे बार से उन्होंने रिश्ता है। उनकी पार्टी वहां पे सेलिब्रेट की थी, बर्थडे पार्टी। जब उनका गोवा में वो जो विला है ना, तो गोवा में जब उनका विला नहीं था, तो मल्ल्या जो है वो दो एक बार उन्होंने वहां पे पार्टी रखी थी उनकी, तब मैं शोभा डे के साथ, मेरी एक फ्रेंड है शोभा डे, उसके साथ मैं आया था। अच्छा, वहां पे तो अंबानी ने भी रखी है, मतलब उदयपुर में तो। नहीं, लेकिन मैं अंबानी की पार्टी में, उदयपुर वाली पार्टी में नहीं आया हूं, लेकिन उनका जो एटलांटिया करके जो घर है वहां पे, अल्टा माउंट रोड पे, वहां पे मैं गया हूँ, एंटला, एंटला एंटला। करके हाँ, है। वही एंटला। और आप क्या करते हो? क्या हो गया? इसकी माँ आ गई लगता है, तो माँ ने कहा भड़वे सो जा, इसीलिए फिर ये डिस्कनेक्ट कर दिया इसने, इसको पता है माँ गांड पे फटके मारेगी। बहुत बड़ी बड़ी चोद रहा था ये, लेकिन जब उसने देखा माँ डंडा लेके आई है, तुरंत इसने बंद कर दिया। तो पता है वहां बांस डाल देगी, और कौन है? दीक्षा, क्या चल? दीक्षा कॉल तया, दीक्षा कॉल तया। दीक्षा, आपके पास दो दो BMW है, लेकिन आपके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है दीक्षा का, हमेशा लूल इंटरनेट रहता है। आजा भाई डिंपल राजपूत, दीक्षा 500-600 रुपया खर्च करके एक अच्छा सा इंटरनेट ले लो। हेलो, हेलो आयशा। अच्छा, आयशा कॉल पे आओ। हेलो, हेलो आयशा, कैसी हो? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन। आई थिंक यू आर नॉट बिलीविंग, यू नो दैट यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू दीपक कलाल, एम आई राइट? तुम्हें पुणे और रहने ना? आई थिंक यू नर्वस, आर यू नर्वस? नो, आई एम नॉट नर्वस, हैप्पी टू सी यू। यू आर नॉट बिलीविंग दैट यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू दीपक कलाल, एम आई राइट? नो, आई एम नॉट बिलीविंग। सो पिंच करो, ऐसे 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 चुट्टी लो अपने स्किन को, ऐसे चुट्टी लो। किया किया यस यस, आई एम दीपक कलाल, आई एम रियल रियल दीपक कलाल। कैन यू प्लीज से हाय टू माय फ्रेंड अक्षय भुजबर? व्हाट्स हिज नेम? हेलो अक्षय भुजबर, अक्षय भुजबल, हाउ आर यू? और आपका पूरा नाम क्या है? व्हाट? ऐश्वर्या अच्छा, ऐश्वर्या। एंड योर सरनेम? मुंडालिक। अच्छा, हाँ। यस, एंड व्हाट डू यू डू? आई एम अ डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली। योर साइंटिस्ट? या डेटा साइंटिस्ट, ओके, सो व्हाट इज डेटा साइंटिस्ट? इट्स ऑल अबाउट दी, इट्स अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो वी एनालाइज डेटा, सो टाइप ऑफ आईटी जॉब, नथिंग एल्स। ओके ओके, या एंड यू आर बेसिकली फ्रॉम विच प्लेस? इंडिया? वे वे डू यू स्टे एट प्रेजेंट?
राइट नाउ आई एम इन बर्लिन इन जर्मनी. ओके, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी राइट? या. But there is fight going on that South Germany and North Germany, and they are constructing the wall in between. Do you have any idea about it? No, wall to gir gayi na, jo thi Berlin Wall. Acha, Berlin Wall gir gayi. Haan, itni idea nahi hai, bahut busy rehti hu yaar. Acha acha, aur basically tum kahan se ho India se? Pune. Acha, Pune mein kahan pe rehti ho? Koth Road. ओके ओके, सो व्हाई यू आर सो रूड टू पीपल? क्योंकि जो लोग कोथरूड में रहते हैं वो लोग बहुत रूड होते हैं, इसीलिए वो कोथरूड में रहते हैं, ये सच है? ऐसे कुछ नहीं है, नथिंग इज लाइक दैट. अच्छा, तो आप बेसिकली महाराष्ट्रियन हो? यस या. अच्छा, तो आपका गांव कौन सा है? परभनी. अच्छा अच्छा, तुम परभनी की हो, मतलब तुम मराठवाड़ा से हो? या, मराठवाड़ा. या मराठवाड़ा विदर्भ? या. ओके ओके, और आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा गोल्डस्मिथ है, ज्वेलर्स है उनका. अच्छा, तो शक्ल से तो तुम लोहार लग रही हो मुझे. रियली? क्या यार, अच्छे से बात कर रही हूँ? नहीं नहीं, मैं सही मजाक कर रहा हूँ. मैं तुम्हें एक्चुअली तुम्हारी सहनशीलता देख रहा था. नहीं यार, नहीं, गलत बात करनी थी मुझे, बट मैं नहीं कर रही हूँ. नहीं, सॉरी, आई वाज जस्ट जोकिंग. तुम एक हीरे की जैसी तुम्हारी ये है, और तुम बहुत खूबसूरत है, और तुम्हारा नाम ऐश्वर्या है, और मैं कसम से कह रहा हूँ कि जो हमारी रियल ऐश्वर्या राय है उससे भी तुम ज्यादा खूबसूरत हो. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच. मतलब ऐश्वर्या राय जो है वो तुम्हारे आगे जो है वो कुछ भी नहीं है. नहीं यार, थैंक यू. सीरियसली तुम खूबसूरत हो. और तुम्हारी हॉबीज क्या है अपनी तारीफ सुनने के अलावा? हॉबीज बस वीडियो गेम खेलती हूँ और यूरोप में जाती रहती हूँ इधर उधर ट्रैवलिंग. अच्छा, यूरोप में कहाँ कहाँ पे गई हो? मैं अब तक गई हूँ डब्लिन में स्टडी किया था मैंने मास्टर्स, और अभी जर्मनी में रह रही हूँ. अच्छा, डब्लिन जो है वो तो आयरलैंड में है ना? यस, आयरलैंड. आयरलैंड की कैपिटल है. तो वहां पे तुमने क्या किया? मैंने मास्टर्स किया है उधर से डेटा साइंस में. लेकिन अगर तुम यूरोप में हो तो कौन सी बड़ी बात है? वहां पे आप ट्रेन का पास लेती हो और इधर उधर यूरोप में ही घूमते रहती हो. यूरोप के बाहर कहाँ गई हो तुम? यूरोप के बाहर किधर भी नहीं, बस यूरोप और इंडिया बस. अच्छा, तो यूरोप में कहाँ कहाँ पे घूमी? पोलैंड, स्विट्जरलैंड, डब्लिन और लिंचेस्टन. गई हो लिंचेस्टन? नहीं नहीं आशल, नहीं. स्विट्जरलैंड के पास में, जर्मनी के पास में लिंचेस्टन है, नहीं गए वहां पे? नहीं. उसकी कैपिटल वाडूज है, वाडूज छोटा सा कंट्री. यूरोप में आए हो? नहीं, मैंने एक्चुअली स्विस बैंक है ना, तो वहां पे मेरी काफी संपत्ति है स्विस बैंक में. एक मिनट. ओके. हाँ, तो जब मेरे वो जो स्विस बैंक ने मुझे कहा कि आप इससे इतने पैसे नहीं रख सकते हैं, तो फिर मुझे वो लिंचेस्टन में रखने पड़े थे. तो मैंने वाडूज में गया था, बहुत करोड़ों रुपए, क्योंकि हमने जब हमारे मायामी का क्रूज बेचा ना तो बहुत ज्यादा पैसे हो गए. तो स्विस बैंक वालों ने कहा कि भाई वो इतने पैसे नहीं ले सकते हैं, तो मुझे इसीलिए उन्होंने लिंचेस्टन भेजा, तो मैं वाडूज गया था. सही है यार, कभी जाए बता देना, आई विल मीट यू, हैप्पी टू मीट. और आप पुणे कब आ रही हो? मैं अभी आके गई दिवाली, अब फिर से आऊंगी गणपति में. अच्छा अच्छा, हाँ. और तुम्हारी हॉबीज इसके अलावा क्या है, घूमने के अलावा? कुछ नहीं, बस नए नए प्रोग्रामिंग सीखती रही. बोरिंग हूँ यार मैं, इतनी भी आपके जितनी नहीं हूँ एंटरटेनमेंट. ठीक है, थैंक यू, बात किया. और तुम्हारा जो दोस्त है उसका क्या नाम है? उसका नाम है अक्षय भुजबर. ही आपके बहुत बड़े फैन हैं हम लोग एक्चुअली. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैंने आपको मजाक में ही ऐसे वो लोहार वगैरह कहा, तो बुरा मत मानना. ओके, इट्स ओके, थैंक यू. लेकिन तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ गए? मतलब आंसू नहीं है, ये लाइट है इधर, यू कैन सी.
नहीं, मतलब मेरी बातों का तुम्हें ऐसे बुरा तो नहीं लगाना इतना, क्योंकि ऐसे थोड़े मुझे ऐसे तुम्हारी आंखें ऐसे गीली गीली लग रही हैं। नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, मे बी लाइटिंग का इफेक्ट होगा। थैंक यू से बात की आपने मेरे साथ। फिल्टर लगा के आई है क्या तू? फिल्टर नहीं है यार, देखा लाइटिंग है, लाइटिंग का इफेक्ट है। किचन तो बहुत अच्छा है तेरा, प्री स्कूल के औकात दिखा। किसके औकात? तेरे फ्रिज में क्या क्या फल है वो दिखा। फल नहीं है, औकात दिखा, औकात। नहीं अच्छा है, चल सही है। थैंक यू बात कर। तो ये खुद का ही घर है? मेरा नहीं, मतलब ऑफ कोर्स रेंट पे है, बट मैं अकेली रहती हूँ। क्योंकि हमारे लाइफ पे एक लड़की है, उसका नाम दीक्षा है, वो काम वाली भाई है। कॉल अप दीक्षा, ओके। तो इसीलिए पूछा मैंने कि तुम रेंट पे यहाँ पे रहती हो। हाँ रेंट पे हूँ ऑफ कोर्स, बट मैं खुद अकेली रहती हूँ। ऐसे जानबूझ के क्यों कह रही हो? ताकि तुम्हें लड़के डेट करे, इसलिए जानबूझ के कह रही हो कि मैं अकेले रहती हूँ ताकि लड़के जो है वो तुम्हें डेट करे। कल्चर पे नहीं हूँ, अरेंज मैरिज, आई सपोर्ट अरेंज मैरिज, सो नो डेटिंग। अच्छा अच्छा हूँ। एक बार फिर अक्षय को हाय बोलो प्लीज और बाय। Can you please say hi to Akshay Bhushbar once? अरे ओ पेटीएम कर, पेटीएम इतना कमाती है ना, इधर फ्री में इसको हाय करो, नहीं उसको ये करो, 1000 रुपए पेटीएम कर। इतने खूबसूरत घर में रहती है, फ्रीज भर भर के इतने जूस पीती है, इतने महंगे महंगे घर में जर्मनी में रहती है, लाखों में सैलरी लेती है, और इसको हाय करो नहीं उसको बाय करो, इसका ठेका लिया है क्या मैंने? पेटीएम कर चुपचाप 1000 रुपए, समझा? तब हाय करूंगा, और नेक्स्ट टाइम लाइव आएगी ना तो 5000 रुपए डालियो। ठीक है साले, पैसे कमाते हो, तुमको मैं इतना एंटरटेन करता हूँ और खुद में बीमारियों से जूझ रहा हूँ, तुम क्या करते हो रे मुझे? तू तो पुणे में रहती है ना, क्या हुआ? तो तुझे पता नहीं है मुझे क्या बीमारी है क्या नहीं? वो पेटीएम कर चुपचाप, बहुत हो गया तेरा नाटक, कब से तेरी अमीरी दिखा रही है? तेरी तो क्या है, शादी हो जाएगी मेरे लाइफ पे आकर, यहाँ पे लोगों को पता चल गया तेरे पास अच्छी जॉब है, जर्मनी में रहती है, तेरे को तो मैट्रिमोनियल जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही कोई अमीर लड़का पट जाएगा, बहुत करोड़पति आते रहते। मेरी ये लाइफ है ना तुम लोगों के लिए सिर्फ मैट्रिमोनियल सेंटर है, लड़के मिलते नहीं है, दीपक कलाल के लाइफ पे जाओ और अच्छा मैच ढूंढ लो, बाद में दीपक कलाल के गांड पे लात मार के दूसरों के साथ डेट करो, है ना? कुछ नहीं, मेरे लाइफ पे तू आई, अभी तुझे लोग डीएम करेंगे, उनका डीपी वगैरह देख के, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देख के तू उनके साथ डेट करेगी, मेरे को क्या देगा, बाबा जी का ठुल्लू? ओके पेटीएम कर देती हूँ आपको, नो वरीज, 5000 पेटीएम कर। और सुन, अगर लाइफ पे कोई अच्छा लड़का मिल गया, अभी एक लड़का है कनाडा से, बहुत अच्छी जॉब है उसकी, वो तुझे डीएम करेगा, तुम दोनों की शादी हो गई ना तो 20000 रुपए का नारियल चढ़ा मेरे को। अच्छा ठीक है, नो वरीज, आई विल डू दैट, थैंक यू। मेरे लाइफ पे जिसको भी अच्छी लड़की मिलती है, अच्छा लड़का मिलता है, मेरे लाइफ पे अगर तुम लोगों की शादी होती है तो तुम लोग मुझे कम से कम 20000 रुपए चढ़ाओ, इतना ध्यान में रखो, मेरा कोई ये मैट्रिमोनियल सेंटर नहीं है। ठीक है ठीक है, ज्यादा वायलेंट बहुत तुम्हें जानकारी दे दी, तेरा एजुकेशन, तेरी सैलरी, तेरा घर, तेरा एड्रेस, तुझे तो क्या है, अभी लड़कों की लाइन लग जाएगी शादी के लिए, मैं क्या करूं? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अगर 5000 रुपए नहीं भेजे ना, तेरे घर पे रिश्ता लेके आ जाऊंगा, ध्यान में रखियो। नहीं भेजती हूँ, भेजती हूँ, जबरदस्ती शादी करूंगा ना, पता चलेगा। राखी सावंत पुणे में ही रहती ना तू, राखी रिश्ता लेके आ जाऊंगा तेरे घर पे, राखी सावंत है ना आपके लिए, तेरे पापा को कहूंगा शादा कर, तेरे बेटी का मेरे साथ शादा कर, तेरे बेटी मेरी लाइफ पे आई, तेरे बेटी ने डॉक्टर को प्रपोज किया, तेरे बेटी का मेरे से शादा कर, तेरे बेटी का मेरे से शादा कर।
तेरा बाप भी चक्कर आके गिर जाएगा, उधर ताल ठुकूंगा मैं ऐसा। ओह माय गॉड, कितना डालेगी अभी पेटीएम में? कितना डालू आप बोल दो, आप जितना बोलोगे उतना डालूंगी, नो वरीज। लाखों में तू तू डालेगी नहीं, पूना की है तू कंजूस, 5,000 डाल। अच्छा ठीक है, डिटेल्स करो आपके, ठीक है। हाँ नंबर है मेरा 91499, लिख ले 91499। डीएम करो, डीएम। वैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, बोलो नंबर, लिख लू रिकॉर्ड हो जाएगा। 91499 75776। अच्छा ठीक है, कर दूंगी पेटीएम, नो वरीज। हाँ ठीक है, चल बाय बाय बाय, टाटा बाय। चलो अभी ये भुजबल कौन है, भुजबल कॉलते आ, मन्नू कॉलते आ, मन्नू कॉलते आ, एक मिनट इधर आते हैं सब लोग। मैं लंदन में रहती, मैं पेरिस में रहती। और जब लड़का मिल जाए तो दीपक के गान पे लात मारती। अच्छा खोल के रखा है मैंने प्री में मैट्रिमोनियल सेंटर। ये नहीं है, दो चार लड़कों की शादी हो गई यहाँ पे मेरे लाइफ पे आके। लंदन वाले को पेरिस की मिल गई, पेरिस वाले की लंदन को मिल गई, दीपक भाई को सब भूल गए। सबको प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको पता है कि दीपक के लाइफ पे सेलिब्रिटीज आते हैं। केले को संतरे मिल गए, संतरे को केले मिल गए। मेरा कद्दू कब कटेगा? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, दीपक कलाल का कद्दू। आजा दीक्षा भाई, तेरा पब्लिक डिमांड है, दीक्षा आजा। सब लोग बेचे हैं ये जानने के लिए। दीक्षा कॉल ते आ, मुझे लगता है दीक्षा डर रही है अभी, वो उसको लोग काम वाली बाई बोल रहे हैं ना, वो डर गई है दीक्षा। मैंडी कॉल ते आ, सुन रहे भोसड़ी के, वो दीक्षा को सॉरी बोल और उसके बाद भी उसको बोल कॉल पे आने के लिए, वो बुरा मान गई तेरी बातों का। सॉरी दीक्षा रंडी, सॉरी आपकी माँ की चूत, मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, आपकी बहन का भोसड़ा, मैं सॉरी बोलता हूँ दीक्षा दीदी, आपको आपकी माँ की चूत में लंड डाल के सो रहा हूँ मैं, सॉरी दीक्षा। बापरे कितना घटिया इंसान है यार ये, कुछ भी फालतू गिरी छुट्टिया साला। राधिका कॉलते आ, और कौन है, अमृत चीमा, अमृत चीमा कॉलते आ। हाँ जी दीपक भैया कैसे हो? बस ठीक भाई, और आप कैसे हो? हाँ जी बढ़िया ठीक ठाक। अच्छा सुनो भाई, आपने वो जो 12 लाख रुपए भेजे हैं, प्लीज यार आप वो वापिस ले लो, मुझे नहीं चाहिए वो 12 लाख। क्या क्यों, क्या हो गया यार? नहीं नहीं यार, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है यार, आपने क्यों वो 12 लाख रुपए भेजे मेरे को? देखो मैंने ऐसे ही बोला था मजाक मजाक में यार, मेरे को यहाँ पे 1.5 करोड़ आ गए है, सब मुझे प्रॉब्लम हो रहा है ये इनकम टैक्स का। चलो कोई नहीं, वापस ले लेता हूँ। हाँ और अभी कहाँ पे हो तुम? अभी घर में बैठा हूँ, धूप सेक रहा। ये आपका लोन है क्या? या
ओके सही है यार आपका लॉन्ग तो और अभी वहां पे क्लाइमेट ठंडा है ना या थोड़ा ठंडा है थोड़ा धूप लगी हुई है अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा गर्मी थोड़ा ठंडा ठंडा सा और तुम इंडिया कब आ रहे हो फरवरी अच्छा अच्छा ठीक है चलो फिर ओके बाय आपका नेटवर्क का भी इशू है चलो ये चीमा है मेरे भाई है ये और एले में रहते हैं और ये मेरे लिए ये एप्पल आईफोन 12 लाने वाले हैं इनके 15 ट्रक से एले में एक ट्रक की कीमत 1,10,00,000 है तो आप समझ सकते हो ये कितने करोड़ों के ट्रक से उनके पास तो बहुत ही पैसे वाले हैं वो और सोहेल मलिक चलो कर्ण कपूर कॉल पे आओ कर्ण कपूर यार आप लोग बहुत ज्यादा पैसे मत भेजो यार बेचो मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है इनकम टैक्स का और बहन के लंड भाई आप कहाँ से हो क्या है आपका इंट्रोडक्शन दो ये क्या है मैं आपके बात करने के लिए आपको कॉल किया है चूती है इतनी ये क्या ये गाली क्या है ये बहन का लंड सीधा ये क्या गाली लैंग्वेज है क्या आपकी तेरी आन फाड़ू बैठ के लंड साले बेंच बकचोदिया करता रहता सारा दिन शर्म नहीं आती भोसड़ी के क्यों क्या हुआ भाई कहाँ से है तू दिल्ली से हूँ मादरचोद अच्छा दिल्ली में कहाँ से हर चीज बता दू भोसड़ी के नोएडा से हूँ अच्छा और क्या काम करता है नोएडा में पढ़ाई कर रहा हूँ कॉलेज में अच्छा और बाप साथ में रहता है ओए बहन के लंडे तू मेरा टट्टा है आंड है आंड 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 पता है ना भोसड़ी के बैंच नंगा लेटा होगा और आपके मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं या अलग अलग अकेला रहता हूँ घर पे अपने भोसड़ी के तेरी तरह नहीं है 100 बंदे एक ही घर में रहे अच्छा चल मम्मी डैडी कहाँ पे रहते हैं आपके अपने काम से काम रख बहन के लंडे नींद नहीं आ रही क्या बे कुत्ते अच्छा तुम्हारा लाइट ऑन करो तो जरा मन नहीं है कुत्ते तेरी अपनी शक्ल दिखानी है कुत्ते को तुम्हारी हॉबीज क्या है भाई हॉबीज क्या है तुम्हारी क्या होता है ये अरे तुम्हारी हॉबीज क्या है हॉबीज क्या करेगा जान के टट्टे ठीक है चल भाई निकल चल माँ चुदा बावली तरेड़ चल वेट चल भाई आ जा डिंपल राजपूत कॉल पे आ जा हेलो हेलो भाई और कैसे हो बस ठीक है आप सुनाओ कब से मैसेज कर रहा हूँ मैं जम्मू से हूँ अच्छा अच्छा जम्मू से हो और क्या काम करते हो भाई मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ टैक्सी चलाता हूँ अच्छा अच्छा तो आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसे खुले में आप बोल रहे टैक्सी चलाते हो कुछ ढंग का काम करो आप साथ आपको काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है पता है ना आपको काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है टॉयलेट साफ करेगा वहां पे टट्टी साफ करेगा तो लोगों को ये छाती ठोक के बताएगा तो टट्टी कुछ तो शर्म हाँ, मैं छाती ठोक लाऊंगा क्योंकि कोई मुझे देख थोड़ी रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ पहले आप ये बताओ कोई देख थोड़ी रहा
काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे आप झाड़ू मारो चाहे जो मर्जी। टैक्सी चलाता हूँ तो तुझे कौन वहाँ पे शादी करेगा जम्मू में? लोग थूकेंगे तेरे ऊपर की बेचोत। ये देखो सिंह साहब का बेटा तेरे पते, एक बात बता तेरा बाप क्या करता है उधर जम्मू में? नहीं वो नहीं बताऊंगा, क्यों वो क्यों बताऊं, इतनी जेल क्या करनी है पहले ये बताओ जान के। अरे भोसड़ी के लोग तो यही कहेंगे ना, सिंह साहब का बेटा देखो वहां पे शेख लोगों के लिए टैक्सी चलाता है। मेरे पापा उधर एलए में है, लंडे एलए में। चूते चुप बैठ कम से कम किसी के साथ तो अच्छे से बात किया करो, सबके साथ गाली देने का ये क्या कौन सा रूल है? किसी के साथ तो कम से कम बात। जम्मू में कहाँ रहता है? नानक नगर में रहता है तू? जम्मू में बंतला में रहता हूँ मैं, बंतला कभी गया कभी ये नहीं देखा भी नहीं होगा कभी। अरे अखनूर रोड पे है ना वो? हाँ अखनूर रोड पे। हाँ 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 अखनूर तो भाई अखनूर तो बहुत दूर है उससे पहले ही है वो। अरे चूते अखनूर रोड पे है ये मैं कह रहा हूँ तुझे। हाँ वो अखनूर रोड पे ही है, अखनूर रोड बहुत है वो पहले ही आता है, 30-40 किलोमीटर है अखनूर आगे। इतनी दूर किधर अखनूर रोड पे पता है? अखनूर 30-40 किलोमीटर आगे, लेकिन अखनूर रोड पे है ये मैं कह रहा हूँ बहन के लौड़े। वो तो मुझे भी पता है अखनूर रोड पे ही है यार, गाली देना जरूरी है क्यों? मुंह अभी जो है जबान गंदी करा रहे हैं, गाली देना जरूरी है? हाँ अच्छा मुझे एक बात बता। हाँ तेरा और बुड्ढा क्या करता है, पापा क्या करता है तेरा? बिजनेस है अपना। क्या बिजनेस है? बिजनेस बस यही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, अंदर बाहर का। ट्रक ट्रुक चलाते है सच बता, ट्रक का है ना? पागल हो गया, ट्रक ट्रुक चलाते हैं। ट्रक चलाते तो मैं भी उधर ही जाता, हमारा इंपोर्ट अंदर बाहर का वो है बिजनेस, अंदर बाहर करना। सही बोल रहा हूँ, अंदर बाहर करना है। साले तेरे बाप ने क्या किया पता है? 2-4 अच्छे लड़के उधर से मंगवाए, इंपोर्ट किए और तेरे जैसे गंदी औलाद को भेजो दे एक्सपोर्ट कर दिया भाग भोसड़ी के। तेरे यार गाली नहीं दो यार। तेरे बाप ने वहां के जो लड़के हैं ना उनको इंपोर्ट किया इंडिया में, तेरे को भेजो कोड़ा करके गांड पे लात मार के उधर भगा दिया तेरे बाप ने। ये सच्चाई है जिसको तू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोल रहा है? अंदर बाहर का हमारा काम, अंदर बाहर का समझे। और तेरी उम्र पूछूंगा तो बेचो 17 साल रहेगी तेरी उम्र, सांड का सांड दिख रहा है पूरा। कितनी क्या उम्र है तेरी? 18+। हाँ वही मुझे पता है ना, मैं जम्मू में रहा हूँ, है सांड के सांड होते हैं बेचो। उम्र पूछेंगे 18 साल 17 साल। जम्मू में नहीं, जम्मू में कितनी देर है, कितनी देर? जम्मू में मैं 2 साल था उधर। जम्मू में कहाँ पे? जम्मू में मैं गांधीनगर में रहता था। तुम्हारा हर जगह गांधीनगर में नहीं, उधर 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 अखनूर में रहता था पीछे झोंपड़ी में, मैंने देखा उधर गांधीनगर में। गांधीनगर में पता कौन रहते हैं? कौन रहता है? अरे भाई वो जो सुन, गांधीनगर के पास में नानक नगर रोड पे वो जो गुरुद्वारा है ना उधर राइट साइड में जो बंगले है ना उधर रहता था मैं, सनशाइन बंगले में। अच्छा सनशाइन बंगले में, उधर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते थे तभी वहीं पे रहते थे ना, रात को वहीं पे सो जाना साथ में। तेरा वो जम्मू का रूपनगर, जानकी नगर, कच्ची छावनी, रानी पार्क, उसके बाद में तेरा वो क्या बोलते हैं अपना अखनूर, उसके बाद में तेरा वो सांबा, उसके बाद में तेरा ब्राह्मणवाड़ी, तेरा डोड़ा, तेरा किश्तेवाड़, तेरा बटोट, तेरा कठुआ, भोसड़ी के हर एक चीज जम्मू में घुमा हूं मैं समझा। तेरा अच्छा, तेरा छन्नी, तेरा भटिंडी। अच्छा और जम्मू का तेरा ये नानक नगर, तेरा बाहुबली, जम्मू का कोना कोना दे मेरे को पता है भोसड़ी के। तू मेरे को क्या बताएगा जम्मू के बारे में? खाली बस इंटरनेट पे मैप पे देखने से पता नहीं लग जाता जगह का, बंदे को गया तो पता लगेगा। ये तो कोई भी बता लेगा कि मेन मेन कॉमन कॉमन सिटी कौन सी है जम्मू, ये तो सबको पता है आजकल इंटरनेट पे सब कुछ होता है आजकल। भोसड़ी के छोटे छोटे एरिया मैंने तेरे को बता दिए बहन के लंड, छोटे छोटे एरिया मैंने तेरे को बता दिए। ये छोटे छोटे एरिया तो बच्चे बच्चे को बता, गूगल मैप को उसमें सब एरिया आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? ये तो इंटरनेट आजकल डिजिटल इंडिया बन गया, वो तो सब बता सकता है ना। अभी आप ये बताओ करंट में क्या चल रहा है? मैंने दोस्तों फोन लगाया और उसने बोला कि हाँ मैं जम्मू में रहता था तो उसको तो पेटीएम करके बोल दिया होगी, मैं तो कैसे से कर दूंगा, कर देगा बोल देगा और क्या, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? मैं भी कर सकता हूँ फोन, हाँ जी मेरा दोस्त है जी, मैं फोन कराऊंगा बंदे को, बोल देना एलए में रहता हूँ, ऐसे तो कोई भी कर सकता है। बावली तरेड़। और तेरे को मैं एक जम्मू का गाना सुनाऊं क्या? कौन सा गाना?
सुनाओ। नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना गाना, मुझे नींद आ जाएगी अगर गाना सुनाओगे तो। अरे भोसड़ी के मेरा लाइव है, इधर सुनना पड़ेगा बहन के लंड, ते तो तुझे लात मार के नीचे बिठाऊंगा मैं, मेरा लाइव है। नहीं आप मुझे एक बात बताओ, ये पेड़ लाइव है या अनपेड लाइव है? तो क्या हुआ? नहीं मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, रिश्ता आएगा ना, जैसे उसकी लड़की का रिश्ता आने वाला है, तो इसी तरह क्या पता मेरी भी लॉटरी लग जाए। अरे भोसड़ी के तू नहाया नहीं है, तेरी मूंछों में जुए घूम रही है भोसड़ी के। मुछे नहीं है राजपूतों की मुछे है, तेरी तरह नहीं है, चिकना बन के एकदम ऐसे राजपूतों वाली मुछे रखी है, ये चिकना बन के बस मर्द और उसमें औरत में क्या कैसा नेटवर्क गोल गोल चक्री घूम रही, 2G नेटवर्क लिया है, 5G चल रहा है। सुन मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, ये तेरा जो गांधीनगर है वहां पे पहलवान हलवाई है कि नहीं है बता? पहलवान हलवाई की ब्रांच आजकल हर जगह खुल गई है, हाईकोर्ट में नई ब्रांच खुली, आप बताओ अब खुली? वो तो पता ही नहीं है आपको हलवाई की ब्रांच, आजकल उसकी ब्रांच हर जगह खुल गई है। अब जो है बिजनेस वाले वो भी दिमाग लगाते हैं, एक जगह ब्रांच खोली फिर उसके बाद 5 किलोमीटर बाद हर एक ब्रांच, ताकि पूरे जम्मू में उनका डर रहे। एक पहलवान की ब्रांच देखिए 5 साल पहले की, तो बस वो थोड़ी चलती रहेगी, पहलवान की दुकान अब जो है उसकी ब्रांच हाई कोर्ट में भी आ गई। अब ये नहीं बोलना कि हाई कोर्ट कहां पे है। अच्छा ठीक है चल भाई, अभी तू बहुत पका रहा है, एक काम कर, वेव मॉल पता है ना, वेव मॉल उधर जाके मेरा नाम पूछ, वेव मॉल में जाके। वेव मॉल जब बन में नहीं रहा था तब भी उस गलियों में घुमा हूं मैं। अच्छा वेव मॉल के, अच्छा वेव मॉल के आगे कौन सी है, कोई कोई कॉमन सिटी का नाम बता दो मुझे, लैंडमार्क एरिया क्या है उधर आगे? छन्नी के आगे लैंडमार्क, कोई लैंडमार्क एरिया बताओ। छन्नी, उसके बाद में वो भटिंडी, छन्नी के आगे एक कश्मीरी रेस्टोरेंट है पहाड़ों में, याद है खुल्ला खुल्ला। उधर एक और रेस्टोरेंट भी है स्टेडियम मोड़ के आगे, उसका नाम क्या है? स्टेडियम मोड़ भी है वो। जब इतना ही नहीं पता फायदा क्या, बस इंटरनेट पे चेक करते रहना है। ये निकल रहे चूते बहन के लौड़े साले, तेरे को है ना भोसड़ी के, तेरे मुंह में सुन, तेरे मुंह में मुठ मारूंगा मैं, मुठ मेरा तेरे तेरे मूंछों पे मेरा दही गिरेगा ना, उससे ऐसा मसाज करियो तेरी मूंछे एकदम, ये ऐसे मर्द की मूंछे है ये, तेरी तरह नहीं छक्का बना हुआ देखना, छक्का बन के मूंछे मर्द की है, क्लीन शेव करा के बस। 80 किलो का बेंचो, तू तेरी उम्र क्या है 20-18 साल बेंचो, 80-90 किलो का सैंड हो गया बेंचो तू, और उधर शेख लोगों के बेंचो टैक्सी चला रहा है तू, अपने अपने कमाई का खाता हो, किसी के नहीं खाता समझे, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, पागल कहीं के भोसड़ी के, तू तो गोभी खाएगा बोलेगा मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, लोगों की टट्टी खा रहा हूँ। वो तो सबको पता लग रहा है, गो कौन खाएगा, मैं खाऊंगा या आप खाओगे, वो सब दिख रहा है नीचे के क्या लोग कमेंट करे जा रहे हैं। शेख लोगों का बेंचो टॉयलेट बन जाए, ह्यूमन टॉयलेट, उनके टिश्यू पेपर का काम कर शेख लोगों का। और कुछ मैं यहाँ पर गाली नहीं देना चाहता इसलिए, क्योंकि मेरे फैंस यहाँ पे बहुत सारे, इसलिए मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ। अगर मैं भी गाली देने लग गया, तेरे फैंस अगर मैं भी गाली देने लग गया ना, तो तेरे और मेरे बीच में क्या फर्क है समझे, इसलिए मैं अपना जुबान गंदी नहीं करना चाहता, चाहे तो मैं भी गाली दे सकता हूँ, लेकिन नहीं ये देखना। ठीक है चल निकल भाई, ओके बाय, टाटा तो करो। ये जम्मू का है, ये अखनूर रोड पे रहता है, बातें बड़ी बड़ी चोद रहा है, ये टीला का, इसका बाप बेंचो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, इसके बाप ने इसको एक्सपोर्ट किया बड़वे को शेख लोगों की टुई चाटने के लिए, ये बेंचो उनकी टुई चाटता है, गुलाब वाली टट्टी वाली टुई चाट के साफ करता है, पहन का लाड़ा करण कचरू आजा भाई, करण कचरू कॉलते आ, करण कचरू हेलो, हेलो भाई कैसे हो, हेलो हेलो करण कचरू, आपकी आवाज नहीं आ रही है कचरू,
अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है कचरू। एक मिनट करण कचरू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये कौन है? जितेश वासिम अकरम, वासिम अकरम फ्रॉम अफगानिस्तान, कॉल पे आओ। वासिम अकरम फ्रॉम अफगानिस्तान, वासिम अकरम, एक मिनट, ये कौन है? जितेंद्र पंडित घालूंगे गांडित, ये कौन है? धीर करण, नीचे मैसेज करो। नवीन विधानी, हाँ चल भाई, नवीन विधानी कॉल पे आ जा। हेलो, हेलो, हाँ क्या मेरा ऑन करो। कैमरा ऑन करूँ? करता हूँ। बताओ क्या नाम है भाई तेरा? नवीन, तुम्हारा नाम क्या है? दीपक, अच्छा दीपक, भूल गया था। अच्छा अच्छा नवीन, हाँ। और कहाँ पे रहता है तू? रायपुर में? अच्छा, रायपुर में या भिलाई दुर्ग में रहता है? रायपुर में, रायपुर में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में। और क्या काम करता है तू? अभी तो कुछ भी नहीं, बाकी तू कुछ देगा काम तो कर लेगा मैं। और क्या तेरा फ्यूचर प्लान प्लान क्या है? क्या करना चाहता है फ्यूचर में? जैसे हर एक लड़के का सपना होता है कि भाई मैं बड़ा होके दीपक कलाल बनूंगा, सलमान खान बनूंगा, शाहरुख खान बनूंगा, एक हर एक बंदे का सपना होता है, वैसे तेरा क्या सपना है? अभी तक तो सोचा नहीं हूं, तू बता ना कुछ। अच्छा, तो तेरा बाप तेरे को बोलता नहीं है कि भाई तू ये कर, इतना बड़ा खा, तेरे को मैंने पैदा किया है, बड़ा किया है, ये कर वो कर, ऐसा कुछ बाप बोलता नहीं है तेरे को कभी? अभी तक तो नहीं बोला, बोलेगा तो बताऊंगा। अच्छा, कितने भाई बहन है तुम लोग? छोटा भाई है मेरा। तो वो भी निकम्मा निठल्ला है तेरे जैसा, या वो कुछ करता है इधर उधर, अरे मरवाता वो है देख, क्या? फिर तो बता रहा हूँ तेरे को, मैं सबसे अच्छा इंसान है, कम से कम तेरे जैसा नल्ला तो नहीं बैठा है। और ये टैटू वैटू क्यों पैसे बर्बाद किए यार? टैटू वैटू बनाया तूने, शक्ल तो है नहीं तेरा, रूप रंग नहीं है क्या? वो टैटू में पैसे बख्शी, दिखा तो तेरा टैटू, दिखा। ये देख, नहीं, और वो साइड का टैटू दिखा। ये कौन से मेले में, कौन से मेले से, भिलाई के मेले में से निकाला क्या? ये जत्रे में से निकाला ये नहीं, टैटू? तो तेरा गंदा है बेंचोद, एकदम टट्टी टैटू है ये। शराबी ने बनाया क्या? किसने? दारू, देसी दारू पी के बिल्कुल टैटू तेरी बनाया शक्ल क्या? जैसे, बिल्कुल तेरी शक्ल के जैसे, एकदम अच्छा तेरी सुन, शक्ल। नीचे लोग मैसेज कर रहे हैं, इसको लात मार के नीचे बिठाओ भाई, पब्लिक डिमांड है, निकल ले अभी, चल। शांत फट गई, अभी एक शब्द सुन के फटी ना। चलो भाई, ये कचरू कौन है? कचरू आ जा भाई, कचरू। अरे भाई, ये लाइव बंद हो रही है, 1 घंटा पूरा हो गया, मैं दोबारा लाइव जाता हूँ, ये मुझे लाइव डिसकंटिन्यू करनी होगी। चलो मैं वापस 1 सेकेंड के बाद तुरंत लाइव आता हूँ, आप लोग कहीं मत जाना, मैं तुरंत लाइव आता हूँ। ओके बाय, 1 घंटा।